नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। यूजीसी आप सभी का स्वागत करता है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और प्रीवियस इसके सेशंस में, और प्रीवियस इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए ताकि आप अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं, अपने स्टडी को बेहतरीन कर सकते हैं इन सब चीज़ों, इन सब पहलुओं को जानते हुए। गुड इवनिंग अगेन एवरीवन, चलते हैं क्लास में पहला क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस क्या कहता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही, आप ये डायरेक्टली कह सकते हो कि क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट्स हैव एक्सपोज्ड ब्यूरियल विथ स्केलेटन ऑफ वेरी टॉल हाइट। क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे कि आपसे पूछ रहा है मेसोलिथिक साइट्स के बारे में, जहां पे कब्र पाए गए, ऐसे जो है कब्र पाए गए जो कि स्केलेटन, जो बहुत टॉल हाइट के लोगों के बारे में बता रहा है कि काफी टॉल लोग देखने को मिला। आदमगढ़, भीमबेटका, महादहा और आपके सराय नहरराज, विच विल बी द करेक्ट आंसर। आप फास्ट कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग, ज्यादा जो है देर वेट नहीं करना है इस क्वेश्चन में, विच विल बी द करेक्ट आंसर। आई नो थोड़े से दिख नहीं रहे स्टूडेंट लोग, इसके आंसर्स मैं ही करता चलता हूं। एक बार सभी लोग पहले क्लास को शेयर कर दें और जानते हैं कि क्या क्या चीजें आंसर्स हो सकता है। तो याद रखिएगा, इस तरह से जब ब्यूरियल विद द स्केलेटन ऑफ वेरी टॉल हाइट वाला जब बात करेगा तो महादहा और सराय नहर राज विल बी द करेक्ट आंसर, आपके डी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है डी? डी वाले सभी लोग क्लियर है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान से। ये थे क्वेश्चन नंबर वन, ये है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू को देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट एल्डेड कैमल बोन्स। आई विश कि ये सभी लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं कि कैमल्स बोन कहां पे देखने को मिला है। कैमल बोन्स आपसे पूछ रहा है, कैमल्स मींस ऊंट का, जो है ऊंट का आपसे पूछ रहा है कि बोन्स कहां पे देखने को मिला है, कहां पे बोन्स के साक्ष्य मिले हैं। कलीबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोद्रो, विच विल बी द करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग एवरीवन, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखें क्या आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। फास्ट कमेंट करते चले एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर। आई नो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पहले तो कमेंट करो आप लोग कि सेकंड नंबर क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा, विच इज द करेक्ट आंसर। फास्ट, वैसे अगर आपसे पूछे तो कलीबंगा बोलते हैं आप राजस्थान साइड्स को, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए वाले सभी लोग करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्री नंबर क्वेश्चन है। द लोकेशन, ध्यान से देखते चलेंगे, द लोकेशन ऑफ द वैदिक रिवर सरस्वती इज इंडिकेटेड बाई इट्स मेंशन इन द नदी सुक्ता ऑफ द ऋग्वेदिक बिटवीन। कहां, किस, कौन से नदी के बीच में, नदी सुक्ता में किसके बारे में बताया है आपके? सरस्वती रिवर्स, कौन से दो नदियों के बीच में बताया गया, जल्दी से कमेंट करके बताएं विच विल बी द करेक्ट आंसर। इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? विच इज द करेक्ट आंसर, नदी सुक्ता ऑफ द ऋग्वेदिक बिटवीन किसके किसके बीच में? फास्ट कमेंट करते चलें। सी, अभी तक आप लोग सी में अटके हुए हैं, यहां पे ध्यान से देखिए, दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। यमुना एंड सुतुद्री, यमुना एंड सुतुद्री के बीच में कहां रहते हो पता नहीं मुझे आप लोग, और क्या करते हो मुझे ये भी नहीं पता। इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों के अगर आंसर्स नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है चार नंबर, द अकाउंट ऑफ द ग्रेट फ्लड इन विच विच अ डिवाइन फिश has been described as the rescuing Manu occurs in। कह रहा है कि एक डिवाइन फिश जिन्होंने रेस्क्यू किया था मनु को, वो किसमें मेंशन किया गया है? ऋग्वेद, वाजसेनी संहिता, सतपथ ब्राह्मण और ऐत्रीय ब्राह्मण, विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर। है ना अच्छा क्वेश्चन भाई, ध्यान दीजिए, रेस्क्यूइंग मनु,
डिवाइन फिश की बात कर रहा है, किसमें मेंशन किया गया है, फास्ट कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर विल बी द सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण के बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्राह्मणास में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इतिहास पुराण हैज बीन मेंशन एज फिफ्थ वेदास। ये ऑलरेडी बताया हुआ आप लोगों को, ध्यान से सुनिए, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ आप लोगों को ये क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए जल्दी से। इतिहास पुराण हैज बीन मेंशन एज द फिफ्थ वेदास। किसको फिफ्थ वेदास के नाम से जानते हैं? ऐत्रीय उपनिषद, बृहदरण्यक उपनिषद, चंडोग उपनिषद और श्वेतावक्रा उपनिषद। विच विल बी द करेक्ट आंसर, क्या आंसर्स हो जाएंगे इसके फास्ट, विच इज द करेक्ट आंसर। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे गर्मी आ गया भाई बॉडी में, लेकिन आप लोगों के बॉडी में कब खून खौलेगा भाई, आए जल्दी से फास्ट आंसर्स करते चलो। विच इज द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर विल बी द चंडोग उपनिषद में। चंडोग उपनिषद को आप सभी याद रखिएगा, फिफ्थ वेदास के नाम से भी जानते हैं चंडोग उपनिषद को, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, विच उपनिषद डिस्क्राइब्ड एज द फिलोसॉफिकल डायलॉग बिटवीन द यज्ञवल्क्य एंड मैत्रेय। ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ कि कौन से किताब में यज्ञवल्क्य एंड मैत्रेय का दोनों की बातों को मेंशन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, बृहदरण्यक, श्वेता वत्रास, चंडोग और कौशिकी। विच विल बी द करेक्ट आंसर, क्या आंसर्स हो जाएंगे आपके फास्ट कमेंट करके बताइए, विच इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताइए क्या आंसर हो जाएगा आपका। वैसे इसके करेक्ट आंसर्स जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे बच्चों, आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, मतलब ऐसे ही है, बस चलने देते हैं। चलिए, बृहदरण्यक विल बी द करेक्ट आंसर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दो ये आपके क्वेश्चंस जो है, एक है आपके रीजन असर्शन और रीजन वाला, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, रीड द स्टेटमेंट, असर्शंस को पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध बिलीव्ड इन ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध बिलीव्ड इन रीबर्थ, गौतम बुद्ध रीबर्थ में, पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं। दूसरा रीजन, ही डिड नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द परमानेंट सोल। आपसे बोल रहे हैं कि वो परमानेंट सोल के बारे में, आत्मा का को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं किया। अब बताइए कि इसमें क्या आंसर्स हो जाएंगे, विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर, फास्ट कमेंट करके बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका फास्ट। सात नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? सर अंग्रेजी में नहीं समझ में आता है। अच्छा, अंग्रेजी में समझ में नहीं आता है, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, अंग्रेजी ज्यादा आसान है हिंदी से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे, तो समझने की कोशिश तो कीजिए एटलीस्ट। देखो ध्यान से, राइट आंसर जो हो जाएगा आपके, दोनों करेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये वाला इससे दोनों से कोरिलेट नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी, बिल्कुल सही गीता, बहुत बढ़िया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा, सरस्वती मखाली गोशाला यूजुअली स्टेड एट द वर्कशॉप ऑफ द लेडी हलाहला हु बिलोंग्स टू द कम्युनिटी। कह रहा है कि सरस्वती और मखाली गोशाला यूजुअली स्टे, सरस्वती और मखाली गोशाला खास तौर से रहते थे वर्क प्लेस ऑफ लेडी हलाला, हलाला के घर के आसपास में। तो बिलोंग टू कौन से कम्युनिटी से वो हला बिलोंग करती थी? पॉटर्स, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ। विच विल बी द करेक्ट आंसर, चलिए विच इज द करेक्ट आंसर। ये तो समझा दिया हमें कि सरस्वती और मखाली गोशाला खास तौर से रुका करते थे हलाहला के घर पे या उसके वर्क प्लेस पे, तो वो कौन से कम्युनिटी से थी?
या कौन से कम्युनिटी से मानी जाती है? पॉटर्स, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ और आयरन स्मिथ। क्या आंसर हो जाएगा इसका, फास्ट कमेंट करके बताइए। नहीं आइडिया है, कोई बात नहीं है। पॉटर्स, पॉटर्स मतलब होता है खास तौर से डाक वाला, पॉटर्स ये कम्युनिटीज में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथीना सेरेमनी ऑफ बुद्धिस्ट संघ, संघ होगा ये, संघ नहीं, संघ क्या है, संघ, वाज रिलेटेड टू, रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है बुद्धिस्ट के, जो ये क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं क्योंकि यूजीसी का है क्वेश्चन, तो आप लोग के भी लेवल बढ़ाना चाहिए। यूजीसी वाले बच्चों को खास तौर से ये क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर्स करने की जरूरत है। कथीना सेरेमनी ऑफ बुद्धिस्ट संघ वाज रिलेटेड टू, कथीना जो मतलब कर्मकांड है वो बुद्ध धर्म में कौन से संघ, बुद्ध में किस संघ से संबंधित है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोप्स, रोप्स बोले तो रस्सी बांटने की डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, खाना बांटने को कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कशिप ऑब्जेक्ट, वर्शिप ऑब्जेक्ट बोले तो पूजा करने के लिए कुछ सामग्री को बांटने के लिए, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। अब बताइए इसमें क्या आंसर्स हो सकता है इसके, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके आंसर्स जो होंगे वो रोप्स को बांटने के लिए, संघ में जो है कथीना मतलब होता है रोप्स से रिलेटेड, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज रूल्ड बाई टू किंग, इसमें से कौन सा क्षेत्र दो राजाओं के द्वारा रूल की जाती है? काउंसिल ऑफ एल्डर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन इन इंडिया, भारत में जब अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में अटैक किया तो उस समय कौन सा क्षेत्र में दो शासक रूल करते थे, ये क्वेश्चन है। शुद्रका, पतला, सीबी और सौभूति, क्या आंसर हो जाएगा इसका, फास्ट कमेंट करके बताइए जरा, विच विल बी द करेक्ट आंसर, क्या आंसर हो जाएंगे बच्चों। राइट आंसर जो होगा आपका इसका, पत्तला विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे पता है जब आप क्वेश्चंस करने के लिए बैठते हैं, जब क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं तो आप मुरझा जाते हैं, लेकिन आपको तो पढ़ने की जरूरत है ही ना, कंपटीशन से तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। यूजीसी में लिटरली कंपटीशन होता है, और कॉम्पिटिशन्स के लिए अभी से अगर आप पढ़ रहे हैं, यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस समय से आप अगर दो तीन किताबें जो मैं रेकमेंड किया हूँ आप जाके वीडियोस में देख सकते हैं, वो अगर आप यूजीसी के लिए पढ़ लिए हैं तो आपको कहीं पे रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और आपसे आशा करता हूं कि आप आंसर कर सकते हो। अशोकास कंटेम्प्रेरी फॉरेन किंग तुरामाया वॉज द रूलर ऑफ, तुरामाया कहाँ का शासक था ये, साइरीन, इजिप्ट, एपिरस एंड सीरिया, कहाँ का शासक था, अशोक का समकालीन था वो, अब कमेंट करके बताइए विच इज द करेक्ट आंसर, क्या आंसर हो जाएगा, विच इज द करेक्ट आंसर। तुरामाया इस तरह के जब वर्ड आता है ना, या फरा हो इस तरह के वर्ड, तो इसका मतलब आप डायरेक्टली आंसर क्या कर सकते हो, इजिप्ट, इजिप्ट विल बी द करेक्ट आंसर, बी वाले सभी लोग करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रूशन देवकुल वेयर ए स्टैच्यू ऑफ द रॉयल पर्शियन वर केप्ट हैज बीन फाउंडेड एट, कह रहा है कि रूशन देवकुल है, इनकी प्रतिमा कहां पे रखी गई है, अचित्र, चंबा, मत और शहबाजगढ़ी, बताइए विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ही सही जितना भी देख पा रहे हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस हमारा आना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उसको भी क्वेश्चन कोशिश किया करो कि सॉल्व करें, कहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है यूजीसी, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो इसका आंसर विल बी द मत, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 12 का सी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनलैंड मार्केट्स इन द दक्षिण पथ एज द मेंशन बाय द पेरिप्लस ऑफ द इराथियन सी, ये किताब है, उनके अनुसार दक्षिण पथ कहां पे पड़ता है, कौन कौन से जगह के बीच में, अमरावती एंड नागार्जुना कोंडा, कल्याण एंड कान्हेरी, नासिक एंड जुन्नर, प्रतिष्ठान एंड तगर, क्या आंसर हो जाएगा, फास्ट कमेंट करके बताइए जरा, देखता हूं मैं कि कितने लोग सही कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन में से एक है बच्चे। अगर मैं इसको आंसर्स करने के लिए बैठूं
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दक्षिण पथ विल बी द आपके हो जाएंगे प्रतिष्ठान एंड तगर, आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, बहुत आसान। द अर्लिएस्ट अजंता पेंटिंग, अर्लिएस्ट पूछा है, क्या पूछा है, अर्लिएस्ट अजंता पेंटिंग इज फाउंड इन कौन से केव में पाया गया है, केव नंबर 1 और 2, केव नंबर 9, 16, 17, 19, क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताइए जरा, विच इज द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर, चलिए फास्ट। द अर्लिएस्ट अजंता पेंटिंग जो है कहां पे, कौन से केव में पाई गई है, उठाकर देखिए क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चन है। केव नंबर 9 को सबसे ओल्डेस्ट कहते हैं, जो लोग पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं केवीएस का या पीजीटी किसी भी स्टेट्स में हिस्ट्री, उन्हें यूजीसी की क्लास में प्रॉपर होनी चाहिए मेरे अनुकूल। अगर जो यूजीसी की क्लास ढंग से पढ़ लिया वो समझो कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी तो आराम से क्वालिफाई करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मैं 20 क्वेश्चन ही कराने वाला हूं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, देख रहा हूं मैं आप लोग बहुत कम स्टूडेंट है जो आराम से क्लास में बनकर सीख रहे हैं, नहीं भी आंसर कर रहे हैं तो पर भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आपसे पूछ रहा है। देखिए, दक्षिण पथ रूलर ऑफ अर्ली गुप्ता एज, यहां ऑप्शंस दे दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शंस दिए गए और देयर किंगडम्स, ठीक है, दक्षिण पथ की जो है गुप्ता शासक है ये और उनके किंगडम है इधर, ठीक है, बढ़िया। मैच कराना है और कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, धामना, हस्तिवर्मन, मंत्राजा, नील राजा, आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, इन सब के ध्यान से सुनिएगा। इसमें धम्मना इरंदप्पला करेक्ट है, हस्तिवर्मन वेंगी नो ये गलत है, मंत्राजा पलक्का सही है, नील राजा अवाक मुक्ता सही है आपका, इसका मतलब बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी सभी के करेक्ट है। चलिए 5 क्वेश्चंस और करते हैं। बेटा एक बात बताओ, इतना दिन से आप लोग थे कहाँ, मुझे तो समझ में नहीं आता, गायब कहाँ रहते हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत लेट से ज्वाइन कर रहे हो आप लोग, 5 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, आप लोग पहले से रहते तो थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करा देता मैं। ध्यान से देखिए, एन इंस्क्रिप्शन पूछ रहा है, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ द कुमार गुप्त, मेंशन ईयर 9493 ऑफ द मालवा एरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ईयर, कहने का मतलब एन इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ कुमार गुप्त, कुमार गुप्त के टाइम के इंस्क्रिप्शन मालवा एरा में भी देखने को मिलता है, और खास तौर से कॉरस्पॉन्डिंग ईयर किस मतलब कौन सा हुआ उसके, कॉरस्पॉन्डिंग ईयर पूछ रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है, 436 आप इसका आंसर कर सकते हो, 436 कॉरस्पॉन्डिंग ईयर है। इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, बाद में समझेंगे जब हम क्लास में प्रॉपर पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स गिव्स ग्लिम्स ऑफ द एंशियंट इंडियन कोर्ट, आपसे अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंशियंट कोर्ट का एक ग्लिम्स दर्शन दिखाया गया है कौन सी किताब में, मलाविका अग्निमित्रम, मलाविका, मृच्छकटिका, मुद्रा राक्षसन या रत्नावली, विच विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया प्रियवर्त घोष, अब 17 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से, विच इज द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर, ध्यान से देखिए, आंसर्स करने की कोशिश कीजिए। हमने आप लोगों के लिए खास तौर से सीरीज लेकर आया, सीरीज में खास तौर से ज्यादा संख्या में रहना चाहिए, तो आप ही लोग गायब है। विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों, 17 का क्या आंसर हो जाएगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड, मृच्छकटिका इज द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखी गई है, फास्ट कमेंट करके बताइए जरा। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूलर्स एंड देयर टाइटल इज नॉट करेक्टली मैच, रूलर और उनकी उपाधि कौन सा मैच नहीं कर रहा है,
देखो बुद्धगुप्त, कुमार गुप्त, पार्श्व सेन सेकेंड और हर्ष प्रमा। अब इसमें से इनके टाइटल कौन सा मैच नहीं कर रहा है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए जरा विच विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। बुद्धगुप्त परम देवता कहते हैं, बिल्कुल सही है। कुमार गुप्त परम भागवत, ये तो सही है, ये ऑलरेडी आपको पता है कि परम भागवत की उपाधि कुमार गुप्त ने लिया था। ये चीजें ध्यान से सुन लो आप लोग, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उसके अलावा प्रियव्रत शूद्रक, ओके वेरी गुड। पार्श्व सेन सेकेंड प्रमा महा महेश्वरा, ये भी सही है। आपका हर्ष प्रमा सौगात, ये आपका गलत है, आपका डी इस हिसाब से आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नो नो, 18 का डी विल बी द करेक्ट, 18 का डी विल बी द करेक्ट बच्चे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर, मागुती टेम्पल एहोल, एहोल इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति की, ये भी याद रखना। मल्लिकार्जुना टेम्पल पदकल, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल कांची। अब इससे पूछ रहा है कि कौन से शासक ने नहीं बनवाया, किससे एसोसिएटेड नहीं है। चलिए विच विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों, विच इज द करेक्ट आंसर, जरा सा इसका आंसर करो कि कौन से करेक्टली मैच नहीं है। फास्ट थोड़ा सा फास्ट आंसर्स करके बताइए जरा सा क्या आंसर हो जाएगा, विच इज द करेक्ट आंसर। देखो लक्ष्मण सेन जो है आप याद रखिएगा बाला अर्जुना से संबंधित नहीं है। एहोल रवि कीर्ति ठीक है, तराई महादेवी ठीक है, वैकुंठ पेरुमल नंदी वर्मन सेकेंड ठीक है। आपका ए आंसर हो जाएगा 19 का, 19 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग कहाँ गायब रहते हैं भाई, बहुत लेट से ज्वाइन होते हैं क्लास में। नोट बी बच्चे प्रियव्रत, ए विल बी द करेक्ट आंसर। 19, 20 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए क्या आंसर करना है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया हैज शिखरा ऑफ द्रविड़ा टाइप। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, जाकर देखो पुराना द्रविड़ा टाइप में नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में कौन सी टेम्पल है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आप लोग। ब्रह्मेश्वरा टेम्पल ऑफ उड़ीसा, कर्दमेश्वरा टेम्पल ऑफ वाराणसी, पार्श्वनाथ टेम्पल ऑफ खजुराहो, तेली का मंदिर ऑफ ग्वालियर, क्या आंसर हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, जाकर देखिए चेक कीजिए आपको आंसर्स मिल जाएंगे। विच इज द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर। ऑलरेडी मैंने ये पढ़ाया हुआ कि सर तेली का मंदिर जो है ग्वालियर, ये एक द्रविड़ा स्टाइल का बना हुआ है नॉर्थ में, द्रविड़ स्टाइल पे बना हुआ है, ऑलरेडी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है ये सेशन जो है, ठीक है। यही होता है कि जब पढ़े नहीं होंगे ना तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। चलिए दो चार क्वेश्चंस और पढ़ा दे रहा हूं मैं, आप लोगों का प्यार है इस वजह से। ड्यूअल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग उड़ीसन टेम्पल इन पंचरथ की बात कर रहे हैं, लिंगराज, मुक्तेश्वरा, राजरानी और परशुरामेश्वरा। इसमें पूछ रहा है कि उड़ीसन टेम्पल जो है पंचरथा है, इसमें क्या आंसर हो जाएंगे, फास्ट कमेंट करके बताइए जरा कौन कौन से आंसर होने वाला है। याद रखिएगा लिंगराज टेम्पल मुक्तेश्वरा और राजरानी, ये तीनों में पंचरथा देखने को मिला है, तो आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी आपके आंसर्स हो जाएंगे, इसके डी विल बी द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जरा कि क्या कहता है 22 नंबर। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट है, देखो असर्शन और दूसरा रीजन है। द कालचुरी किंग गंगे देव वॉज द फेमस एज द विक्रमादित्य, ठीक है। ही इशूड गोल्ड कॉइन ऑफ लक्ष्मी टाइप। अब इसमें आप देखें कि क्या एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा है क्वेश्चन या नहीं, उसको जरा सा देखिए और मैच करके बताइए कि क्या आंसर है। देखो दोनों अलग अलग बात है, कलचुरी किंग जिनके बारे में गंगे देव कहते हैं फेमस है विक्रमादित्य से, बिल्कुल सही है, और उन्होंने गोल्ड कॉइन भी इश्यू किया है, लेकिन दोनों अलग अलग बात है, एक टाइटल की बात है और एक सिक्के की बात है। तो आपका आंसर तो हो जाएगा कि सर दोनों करेक्ट है, लेकिन आर नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुमार देवी अ क्वीन, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ आप लोगों का, गोविंद चंद्र गढ़वाल कंस्ट्रक्टेड अ बुद्धिस्ट विहार एट, कहां पे बुद्धिस्ट विहार का निर्माण करवाया था, जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताइए जरा कहां पे, फास्ट। दोनों सही है बच्चे, लेकिन दोनों सही होने के साथ साथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन मांगा गया था। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए कहां पे गढ़वाल कंस्ट्रक्टेड बुद्धिस्ट विहारा, तो सारनाथ में इन्होंने बनाया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फाउंडर एंड कैपिटल सिटीज इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है करेक्टली देखते हैं कि कौन कौन सा नहीं मैच कर रहा है, अमोघ वर्षा का मान्यखेड़ा, अवंती वर्मन का अवंतीपुरा, ललितादित्य का परिहासपुरा और महेंद्रपाल का महोदया, विच विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग क्वेश्चन देख के ही डर से क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बताइए जरा विच विल बी द करेक्ट आंसर, क्या आंसर हो जाएगा, फास्ट कमेंट करके बताइए जरा विच विल बी द करेक्ट आंसर। महेंद्रपाल का महोदया ये आपका नहीं मैच कर रहा है, ठीक है आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25, मैच द लिस्ट नंबर 1 टू लिस्ट नंबर 6 2, पढ़ने का मन है तो आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, बताइए आप लोग सभी क्वेश्चंस करने का मूड है, देखिए सभी ध्यान से, लिस्ट नंबर 1 एक तरफ राइटर है दूसरा तरफ किंग है, किन के समय का है, हेमचंद्र जयदेव क्षेमेंद्र और राजशेखरा, ठीक है ये ऑप्शन है, अनंता कुमार पाल लक्ष्मण सेन और महेंद्र पाल, ये ऑप्शंस हैं आपके रूलर्स के कि किनके दरबार में कौन थे, चलिए ये क्वेश्चंस करके बताइए जल्दी से फास्ट, क्या आंसर हो जाएगा सभी लोग, हेमेंद्र कुमार पाल के कोर्ट में, ठीक है जयदेव लक्ष्मण सेन के कोर्ट में, ठीक है क्षेमेंद्र अनंत के कोर्ट में, राजशेखरा महेंद्र पाल के कोर्ट में, तो आपसे क्या ऑप्शन हो गया, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ठीक है ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए वाले कितने लोग हैं भाई, 1-4, वेरी गुड प्रियव्रत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, एक वर्क है दूसरा ऑथर है, वर्क देखिए ध्यान से, नारा मामला रत्नावली प्रतिमा नतका और मालाती माधवा, अब ऑथर का नाम पूछा है, फास्ट कमेंट करके बताएं विच विल बी द करेक्ट आंसर, जी बिल्कुल बेटा इसका आंसर देखो ध्यान से कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, फास्ट कमेंट करते चलेंगे, देखना याद से, भारवी एक क्वेश्चन दे दिया है, भारवी इनसे मैच नहीं खा रहा, बाकी तो सभी भाषा हर्षा रत्नावली मलाती मधवा ये भारवी की नहीं है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, इतना टाइम नहीं लगाना है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 27 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स कॉल्ड हिमसेल्फ कालीकला 5 वाल्मीकि, ये नाम किसने दिया, वाल्मीकि कालीकला वाल्मीकि पूरा नाम, हिमसेल्फ कालीकला वाल्मीकि किसने दिया था, भवाभूति कालिदासा राजशेखरा और संध्या करनांदी, विच विल बी द करेक्ट आंसर, क्या आंसर हो जाएगा इसका, चलो इतना टाइम नहीं लगाने का, ये है संध्या करना नंदी ने अपने आप को कालिका वाल्मीकि का दर्जा दिया था, टाइटल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी से, इसके अलावा हम क्लास अब मतलब बंद कर रहे हैं, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कमेंटेटर ऑफ द ऋग्वेद, ठीक है ऋग्वेद का ओल्डेस्ट कमेंटेटर कौन सा है, सबसे पुराना, माधव भट्ट सयाना अस्कंद स्वामी वेंकट माधवा, इसमें से पूछ रहा है कि ऋग्वेद का ओल्डेस्ट कमेंटेटर कौन है, जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताइए विच इज द करेक्ट आंसर,
माधवा भट्ट नहीं, सयाना नहीं, संदास स्वामी. आपका जो आंसर होना चाहिए, दैट इज द राइट आंसर, वो होना चाहिए आपके सी. संदास स्वामी विल बी द करेक्ट आंसर. सी विल बी द करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. चलिए, आप लोगों की क्लास यहीं पे अस्थगित होता है. ध्यान से, आप लोग क्लास में बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत देर, बहुत स्लो, बहुत कम देर के लिए हम लोग की क्लास आते हैं. जितना भी पीजीटी वाले स्टूडेंट हैं, खासतौर से यहाँ पे जो क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग ज़रूर आया करो, और ज़्यादा कुछ पढ़ के नहीं. इस क्वेश्चंस को जितना बता रहा हूँ, क्वेश्चंस को लिख लिया करो जल्दी जल्दी, इसके आंसर्स लिख लिया करो, और ये सभी काम आपके एग्ज़ाम्स में पीजीटी में आएगा. ये मैं सिंपली बता देता हूँ, एक तरीका है कि जो पीजीटी हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चन जरूर पढ़े. चलो, इसी के साथ आज की क्लास में अलविदा लेता हूँ. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.